आपने अभी अभी पैसे कमाने शुरू किए हैं या अभी अभी डिसाइड किया है कि भाई अब बहुत हो गया, अब तो अपने फाइनेंसेस पर पकड़ बनानी ही पड़ेगी, तो एकदम सही टाइम पर ये वीडियो देखना शुरू किए हैं। आई एम श्रुति चतुर्वेदी, यू आर वॉचिंग लक्ष्मी मंत्रा, विच इज इंडियाज फर्स्ट फाइनेंशियल लिटरेसी शो फॉर द इंडियन वुमेन, विच वी आर मेकिंग इन एसोसिएशन विद एंजल ब्रोकिंग। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ, जो आपका पहला कदम होगा, विच इज बजटिंग। जब शुरू शुरू में मेरी सैलरी आनी शुरू हुई तो बहुत ही लंबे समय तक ना एक ही कार्यक्रम चलता था कि पैसे आते थे और पैसे खत्म हो जाते थे। मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी, नई नई कंपनी शुरू की थी, तो मुंबई की महंगाई और नई कंपनी की इनकम ये काफ़ी आउट ऑफ सिंक थे। और फिर आया पैंडमिक और तब रियलाइज़ हुआ कि भाई इतने साल तक इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है जब मेरे पास उतनी सेविंग ही नहीं है जो मुझे सिक्योर फील करा सके। और जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ बढ़ने लगी, जैसे जैसे मेरी इनकम नॉर्मल होने लगी, वैसे वैसे मैंने शुरू किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो मुझे बहुत पहले शुरू कर लेना चाहिए था, विच इज़ बजटिंग। Now I started off with a very simple, very popular formula, which is 50-30-20. अब हमारे एक कहावत है ना कि चादर जितनी लंबी हो पैर उतने ही पसारने चाहिए, इसी कहावत का एक एक्सटेंसिव सा वर्जन है 50-30-20 रूल। इस रूल के हिसाब से आपकी 50% ऑफ योर इनकम शुड गो टूवर्ड्स योर नीड्स। नीड्स यानी आपकी ज़रूरतें, ये ऐसे खर्चे हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। अब अगर आप कहीं रह रहे हैं तो आपको घर का रेंट या घर का ईएमआई देना ही पड़ेगा, फ़ोन का बिल भरना ही पड़ेगा, भूख लगती है तो खाना ही पड़ेगा, जिसके लिए ग्रोसरी का बिल भरना पड़ेगा, ये आपकी ज़रूरतें हैं। फिर आता है 30%, विच शुड गो टूवर्ड्स योर वॉन्ट्स। वॉन्ट्स मेरा आपका हम सबका फेवरेट है, क्योंकि वॉन्ट्स इज योर डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है पर मन तो करता है, जैसे कि किसी हॉलीडे पर जाना या नए गहने खरीदना, नए कपड़े खरीदना या कोई एक्सपेंसिव सा गैजेट लेकर आना। तो 30% ऑफ योर इनकम मैक्सिमम शुड गो टुवर्ड्स योर वांट्स। और फिर बचता है 20%, जो कि जाना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग कर लिया या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया या किसी सेविंग अकाउंट में डाल दिया। तो 20% ऑफ योर इनकम शुड गो टुवर्ड्स योर सेविंग्स। नाउ दिस इज़ अ ग्रेट फार्मूला टू स्टार्ट विद, पर मेरी मम्मी ना जब भी उन्हें बड़े खर्चे करवाने होते हैं तो इस जो अपनी चादर वाली कहावत है उसे बड़ा कन्वीनियंटली मॉडिफाई कर देती हैं। एंड शी सेज़ कि पैर पसारो, चादर तो बाजार में और भी मिल जाएंगी। आई लव दिस लाइन बिकॉज व्हाट शी इज हिंटिंग एट इज कि इनकम बढ़ाओ, पर इनकम बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा खर्चा आपके वॉन्ट्स पर और नीड्स पर कर दीजिए। इसका मतलब है कि वॉन्ट्स और नीड्स पर भी थोड़ा परसेंटेज बढ़ाएंगे, पर आपकी इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। यानी कि अगर एक साल तक आप हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगले साल आप 35,000 रुपये इन्वेस्ट कर पाएँ। इनकम कैसे बढ़ेगी इस पर तो हम एक और वीडियो कभी और बनाएंगे, बट फॉर नाउ लेट्स होप कि आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वहाँ हर साल आपकी इनकम बढ़ती रहेंगे। तो अब जब भी मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं अपना जो 50-30-20 वाला फॉर्मूला है उसे रिवर्स कर देती हूँ। वेयर आई ट्राई, अब जैसे पिछले 2 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी नीड्स को कंट्रोल में रखूँ, जितनी है उतनी ही रखूँ। वॉन्ट्स तो बढ़ेंगी ही भाई, नेचुरल है, बट उसे भी थोड़ा लिमिट में रखूँ और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊँ। नाउ आई एम अ सिंगल अनमैरिड वुमेन लिविंग ऑन माई ओन, तो अभी के लिए मेरे लिए ये करना तो पॉसिबल है। नाउ व्हेन आई से आई रिवर्स द फॉर्मूला, व्हाट डू आई मीन? मान लीजिए कि पिछले साल मेरी इनकम थी 20 लाख रुपये, जो अब हो गए 24 लाख रुपये, मतलब मुझे 4 लाख का इंक्रीमेंट मिला। अब पिछले साल तक जो मैंने अपने 20 लाख को 50-30-20 के हिसाब से एलोकेट किया था वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, मतलब 50% जा रहा है मेरी नीड्स की तरफ, 30% जा रहा है मेरे वॉन्ट्स की तरफ और 20% कर रही हूँ मैं इन्वेस्ट। पर अब जो बचा ये 4 लाख रुपये, यहाँ मैं 50-30-20 नहीं बल्कि रिवर्स, यानी कि 20-30-50 का फॉर्मूला लगाऊंगी। मतलब ये जो 4 लाख का 20% है उसे मैं डालूंगी अपनी नीड्स की तरफ, 30% को डालूंगी वॉन्ट्स की तरफ और जो 50% है उसे चुपचाप किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दूंगी। और इसी तरह जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी मैं हर साल अपने इस फॉर्मूला को बदलती जाऊंगी, जहां मेरा फोकस रहेगा कि मेरी वॉन्ट्स और नीड्स लिमिट में रहें, जितनी कम हो सके उतनी रहें,
और मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाए। अब वॉन्ट्स के लिए मेरा एक पर्सनल फंडा है कि मैं जो भी नई चीजें खरीदूं दे मस्ट मेक माय लाइफ अ लिटिल इजियर बेटर और एटलीस्ट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग माय इनकम। नाउ एक्सपेंसिव बैग्स, एक्सपेंसिव ज्वेलरी या एक्सपेंसिव कपड़े दे डोंट नेसेसरीली मेक माई लाइफ एनी ईजियर और बेटर एंड नीदर डू दे इंक्रीज माई इनकम। बट एक नया लैपटॉप या एक नया फोन या एक कोई अच्छी सी जगह पर हॉलीडे, दीज आर द थिंग्स दैट मेक मी मोर प्रोडक्टिव, दैट अपग्रेड माई लाइफ इन सम वे एंड गिव मी एन एक्सपीरियंस। सो दैट इज वेर आई प्रिफरेबली वॉन्ट टू स्पेंड माई वॉन्ट्स का बजट ऑन। बट दिस इज माई पर्सनल फंडा, माई पर्सनल फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला अपने हिसाब से बना सकते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस होल थिंग इज जो भी आप आपकी इनकम में से बजट करके इन्वेस्टमेंट की तरफ अलोकेट कर रहे हैं वो भी आप इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं, ना कि जस्ट सेविंग्स में। एंड बिकॉज ऑफ अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कॉल पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी, क्योंकि जैसे हमने पिछले एपिसोड में सीखा कि लक्ष्मी जब चलती रहती है तो लक्ष्मी बढ़ती रहती है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे अगले एपिसोड में। आज आपको करना है पेन पेपर लेकर बैठिए, अपनी इनकम लिखिए, परसेंटेज एलोकेट करिए, उस अमाउंट को फिक्स करिए और आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करिए। आज के वीडियो को देखकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई फीडबैक है या आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल डेफिनेटली शेयर करिए। आई वुड लव टू रीड फ्रॉम यू। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिए। एंड बिफोर यू एंड द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ हम सीखेंगे अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। टिल देन यू टेक केयर, स्टे सेफ और जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क बिल्कुल करके आइएगा।